नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने वन पाल एवं वन रक्षक के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो वह संग्रहालय कौन सा है? लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं, उससे पहले आप उत्तर तैयार करें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आपको याद रखना है वह संग्रहालय पुरातत्व संग्रहालय जो है कहाँ पर? सारनाथ में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रह किस संग्रहालय में है। मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रहालय सबसे अधिक संग्रह किस संग्रहालय में है। तो आपको याद रखना है वो है भारत कला भवन जो कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय में है जो कहाँ पर है? वाराणसी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि लोक कला संग्रहालय लखनऊ में कितनी कलाकृतियों का संग्रह किया गया है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में कितनी कलाकृतियों का संग्रह किया गया है? तो आपको याद रखना है 1600 कलाकृतियों का संग्रह किया गया है कहाँ पर? लोक कला संग्रहालय में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है कुशीनगर पडरौना। ठीक है, सॉरी पडरौना कुछ नहीं, कुशीनगर में स्थित है क्या बौद्ध संग्रहालय। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है रामपुर में। ठीक है, रामपुर में स्थित है कौन सी लाइब्रेरी? रजा लाइब्रेरी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी। रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना की थी नवाब फैजुल्ला खान। ठीक है, नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। किसकी स्थापना? रजा लाइब्रेरी की स्थापना की थी किसने? नवाब फैजुल्ला खान ने। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि मलिक मंजन की मदमालती नामक पुस्तक की संपूर्ण प्रतियां प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। मलिक मंजन की मदमालती नामक पुस्तक की संपूर्ण प्रतियां प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो आपको याद रखना है यह है रजा लाइब्रेरी रामपुर में। ठीक है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में सुरक्षित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है वाराणसी में। ठीक है, कौन सा भवन? भारत कला भवन। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कहाँ है। महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? तो आपको याद रखना है 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो किया जाता है आयोजन कहाँ पर? वृंदावन में। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है आगरा में। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ पर लगता है? तो आपको याद रखना है गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है कौन सा मेला? गढ़ का मेला। अगला देखते हैं।
अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह किया जाता है बस्ती में मगर नामक स्थान पर। ठीक है, बस्ती में मगर नामक स्थान पर कबीर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है? शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह किया जाता है हापुड़ में। ठीक है, हापुड़ में किया जाता है शहीद मेले का आयोजन। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बटेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में नकटिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश में नकटिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है, यह आयोजित होता है वाराणसी में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? ठीक है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो आपको याद रखना है, कमी होती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है कब? डेंगू बुखार से। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के पश्चात किया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह किया जाता है प्रति छः वर्ष में। ठीक है, प्रति छः वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो घाटों व मंदिर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, यह है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी नगर है जो घाटों व मंदिरों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है? बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह है वाराणसी के निकट स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है बिठूर में। ठीक है, बिठूर में स्थित है कौन सा? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है वाराणसी में। ठीक है, कौन सा मंदिर? तुलसीदास मानस मंदिर। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवी सिंह बुंदेला ने कौन सा मंदिर बनवाया था? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवी सिंह बुंदेला ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो आपको याद रखना है, यह बनवाया था नरसिंह मंदिर देवगढ़ किला में। ठीक है, नरसिंह मंदिर देवगढ़ किला में बनाया था देवी सिंह बुंदेला। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।